ब्रदर का नाम सुखदेव सिंह है और इनकी गवाही जे तरन तारण बाईपास के रहने वाले हैं और इनकी गवाही जे के 8 महीने हो गए थे। इनका ऑटो रिक्शा था जो बैटरी पर चलता था और इन्होंने लिया था और जब बता रहे कि 8 महीने हो गए थे उनको लिया और जो एक महीना हो गया था कि जिसके कारण जो बैटरी पर चलने के कारण जो रिक्शा था वो उसका चार्जर ऐसे ख़त्म हो जाता था जिसके कारण जी बहुत परेशान हो चुके थे और 1 महीने से ऐसे कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती थी। जैसे जी अपना ऑटो लेकर अपने काम पर निकलते थे तो इनको जल्दी अपने घर में आना पड़ता था क्योंकि उसका चार्जर लो हो जाता था जिसके कारण जी परेशान हो चुके थे। और इस ब्रदर ने बताया कि उन्होंने एक न्यू चार्जर भी लिया था पर उससे भी वो चार्जर नहीं तो था और जिसके कारण जे इनका मन था कि अभी जी अपने ऑटो रिक्शा को बेच देंगे जे जहाँ तक इनका मन बन गया था। पर जैसे ही जे ब्रदर भी ऐसे संगति में आते थे और इस ब्रदर ने प्रभु के दास के साथ अपनी मीटिंग को किया और जैसे मीटिंग को किया और उन्होंने अपने ऐसे अपने बात को बताया प्रभु के दास को तो उन्होंने जैसे ही इनके ऑटो में बैठ कर इनके लिए प्रेयर की। पहले हम उस वीडियो क्लिप को देखते हैं। Yes, my Lord, इसी समय वो सही हो जाए। शैतान को मैं खुदावंद इसके इंजन से, इसकी पैंतियों से, इसके टोटल इसके पार्ट से मैं भार करता हूँ इसी समय। राइट नाउ कमांड टू ऑर्डर, इसी समय शैतान तुझे बार बार जो बाधा तू अपनी ढालता है, तेरी मैं हर वादा को, तेरे हरेक बंधन को यीशु के नाम से मैं तोड़ता हूं। शक्ति इसकी हरेक पार्ट से, इस ऑटो के हरेक पार्ट से मैं तुझे बाहर करता हूं। शैतान निकल इसी समय राइट नाउ आउट। तुझे ब्रदर बता रहे हैं कि जैसे इन्होंने प्रभु के दास के द्वारा इनके लिए प्रार्थना हुई तो उससे पहले जे ब्रदर बता रहे कि जैसे इन्होंने न्यू चार्जर लिया था पर उसके बाद इन्होंने जो इनका पुराना चार्जर था जैसे ही प्रभु के दास के द्वारा प्रार्थना हुई अभी वो पुराना चार्जर ही हो रहा है क्योंकि पहले वो 25% से ऊपर चार्जर नहीं होता था, अभी वही चार्जर जो 100% चार्जर हो जाता है। और अब जे ब्रदर ऐसे अपने जैसे ऑटो को लेकर जाते अपने काम पर तो अभी जे 2-3 बजे भी अपने घर में आ जाए तो इनकी जो ऑटो की जो चार्जिंग है वो लो नहीं होती और जे बहुत खुश कि अभी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। अभी 1.5 महीना हो चुका कि इनका जो ऑटो रिक्शा बहुत अच्छी तरह चल रहा है और परमेश्वर ने इनको बहुत सारा ब्लेस भी किया है। तो पहले जे बता रहे कि ऐसे प्रॉब्लम आने के कारण इनके घर में कितना टाइम हो गया आपको ऑटो लिए हुए? 4 महीने हो गए। 8 महीने इन्होंने लिखाए। आपको नहीं पता 4 या 8 है? 8 महीने। हाँ, 8 महीने हो गए आपको ये बैटरी ऑटो रिक्शे को लिए। हाँ, और जब से आपने लिया तब से ये प्रॉब्लम थी उसमें? अच्छा, महीने 1.5 महीने के बाद ये प्रॉब्लम शुरू होगी जिसके कारण आपने जब भी आप चार्ज करते थे उसको बैटरी को तो वो 25% ही वो 25 दादा है, 100 दस नहीं चाहिए, 25 दादा है, सिर्फ 25 दस्ता था। और जब आप उसको अपने काम के लिए निकलते काम चलता था लेकर जाते थे तो क्या हो जाता था? कट जाता, मतलब 1 घंटे में उसकी बैटरी खत्म हो जाती और आपको फिर वापस घर आना पड़ता था। हाँ जी, हाँ जी। और उसके लिए आपने एक नया चार्ज लिया। हाँ जी, हाँ जी। और उससे भी कोई भी कुछ नहीं हुआ? कोई नहीं असर हुआ जी। कुछ असर नहीं हुआ? हाँ? हाँ जी, हाँ जी। और फिर आपके मन में आया कि इसे मैं क्या करूँ? हाँ जी, मैं तो 90,000 का बेच देता है, फिर घर दे कहते नहीं बेचना, यही रखना नाल। अच्छा, आपने उसका सौदा भी तय कर लिया कि इसे 90,000 में मैंने बेच देना है? हाँ जी, हाँ जी। और फिर आप यहाँ पे उसे उस ऑटो को लेकर आए और आपने मुझे बताया और मैंने आपके लिए क्या की? प्रार्थना की। मैं एक चीज आपको बताता हूं, देखो डेविल सिर्फ हमारी बॉडी में नहीं, जो चीज हमारे साथ जुड़ी है उन पर भी वो अटैक करता है। बोलो क्या करता है? सिर्फ ये नहीं कि हमारी बॉडी पर भी वो अटैक करता है, जो जो चीजें हमारे जीवन के साथ संबंध रखती वो उन पर भी अटैक करता है। क्योंकि अभी ऑटो बैटरी रिक्शा इनकी रोजी रोटी है भाई, अगर ये काम नहीं करेंगे तो कैसे? एक तो किस्तों में लिया था ना, किस्तों में लिया। हाँ? हाँ, तो उसकी किस्त भी पे करनी है। कितनी किस्त है? 7,000 उसकी। देखो अगर ये उसको चलाएंगे नहीं, हाँ,
थोड़ी देर में फिर घर लेकर आ गए, फिर चार्ज, फिर वैसे फिर चले गए, फिर तो पूरे दिन में ये क्या करेंगे? देखो एक दिन में 100 की बत्ती खांदा, बत्ती खांदा है, बत्ती मतलब समझे 100 रुपए की लाइट खर्च हो जाती रोज की। अभी 100 रुपए की रोज के लाइट के हिसाब से महीने का ये 3000 है। हाँ, तो अगर ये कमाएंगे नहीं तो फिर कैसे चलेगा सिस्टम? इसलिए शैतान जो जो चीजें हमारे जीवन के साथ संबंध रखती है उन पर अटैक करता है। क्या करता है, समझ आ रही है? चाहे आपके पशु हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी चीज, समझ आ रही है? उन पर वो अटैक करता है। क्या करता है? अटैक। जैसे जमीन, जो जमीन वाई खेती करते, अभी हमने पिछले दिनों में भी, आज वो आए फैमिली जिन्होंने बताया था कि हमने, जिन्होंने धान की खेती लगाई थी, उनके सारे वो बूटे कहते सड़ गए। आज आए वो? नहीं आए। यही तो चीजें हैं, हजारों का पता नहीं, अगर एक एक, मुझे तो पता नहीं एक किले की कितनी गिनती है, कितना उसमें उसका झाड़ कितना आ जाता है। तो शायद में अगर वो बता रहे थे 3-4 किले ऐसे हो गए तो कितना बड़ा नुकसान था, हो सकता है 1 लाख रुपए का। पर परमेश्वर भला, और उनके जीवन में परमेश्वर ने चमत्कार किया, जैसे मैंने उन्हें भी समझाया और वैसे किया। और इनके लिए भी मैंने बैठकर प्रेयर की, उस अंधकार की शक्ति को जो उस बैटरी रिक्शा में क्या कर रही थी। हाँ, और मैंने डांटा उसे, आपने प्रेयर में सुना ना कहा। और उस दिन से लेकर आज पूरा ये कहते 1.5 महीना हो गया, अभी वही पुराना चार्ज ही लगाकर चार्ज करते हैं। अभी कितने घंटे चलती है ये? चलती है 8 घंटे चली जाती है। देखो जो 1 घंटा नहीं चार्ज, नए चार्ज से 1 घंटा बनी है, अभी वो उसी पुराने चार्ज से 8 घंटा चार्ज चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ नहीं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर है, बोलो क्या है? वो है, और वो हर चीज में आपकी सहायता करता है। बस समझने वाले समझ आए उसकी बात, समझ आ रही है? तारीफ करो इस गवाही के लिए जोर से।